हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? तो मैं विकास आपके लेके आया हूँ एनटीपीसी का जो फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। ठीक है, तो सर इसमें क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, कौन फॉर्म भर सकता है, सर ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज वाला फॉर्म भर सकता है, सभी डाउट यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो आपको मैं बता दूँ, सबसे पहली जो बात है कि आपका जो फॉर्म है 21 सितंबर यानी कल से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर 2024 तक, मतलब अप्रोक्सली आपको एक महीना फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, तो आप आराम से भर सकते हैं। सर सेकंड बार पे मैं बात करूं, सर वैकेंसी, सर टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 3,445 वैकेंसी है, जिसमें सर अलग अलग पोस्ट है, चार आपकी पोस्ट रहने वाली है। सर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, अकाउंट क्लर्क है, उसके बाद फिर सर जूनियर क्लर्क एंड टाइपिस्ट है, और सर ट्रेन क्लर्क, ये चार पोस्ट हैं। सर इसका पे स्केल भी आपके सामने दे रखा है, लेकिन जो सबसे जो मोस्ट यहाँ पर बात है वो है कि सर यहाँ पर फॉर्म कौन भर सकता है। तो मैं आपको बता दूँ, मिनिमम जो एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम 30 साल है, लेकिन COVID-19 की वजह से 3 साल का आपको रिलेक्शन दिया गया है, तो 18 से 33 वाला फॉर्म भर सकता है। ठीक है, बिल्कुल। 2022 जो वैकेंसी वो कॉमर्शियल टिकट क्लर्क की है, 361 टाइपिस्ट की, जो अकाउंट वाला जूनियर क्लर्क फ्रॉम टाइपिस्ट वो 990 है, और 72 पोस्ट है ट्रेन कलर की। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। और आपको पता है पिछली बार जो 35,000 टोटल वैकेंसी थी एनटीपीसी, उसमें से 10,000 वैकेंसी केवल अंडर ग्रेजुएट की थी, जो अब की बार 3,445 है। अब सर एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं, तो एग्जाम पैटर्न के अंदर आपके दो सीबीटी होंगे, CBT 1 एंड CBT 2। तो आप बोलोगे सर CBT 1 होने के बाद में कितना गुने बच्चे, तो आप यहां पे लिखा हुआ RRB वाई शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट सेकंड स्टेज CBT शैल बी डन एट द 15 times, मतलब 15 गुना बच्चों को आपको क्या है CBT में यहाँ पर रखा जाएगा। अब एक लाइन और लिखी है, द शॉर्ट लिस्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट वी एक्सटेंड ऑफ 8 गुना, मतलब सीधा सा मतलब है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन लिखी है 8 गुना, तो आप कंफ्यूज मत होना, 15 गुना और 8 गुना क्या है, तो 15 गुना तो टोटल वैकेंसी का आपको CBT 2 में बच्चे बैठेंगे, लेकिन सर यहाँ पे 2022, 361, 990 ये पोस्ट हैं, इनका 8 गुना जो टाइपिस्ट वाली पोस्ट है, इनका 8 गुना टाइपिस्ट के अंदर बच्चे बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में सर मैं आपसे एज लिमिट के पैटर्न पर बात कर लूँ, तो आपको पता है एज लिमिट में अलग अलग रिलेक्शन दिया गया है, जैसे कि OBC वाले जो बच्चे हैं उनको 3 साल का रिलेक्शन है, सर ST वाले बच्चों के लिए 5 ईयर का है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 3 साल का है, और ऐसे अलग अलग पोस्टों के लिए जैसे PWD जो बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग रिलेक्शन यहाँ पे सामने आपको दिए गए हैं। ठीक है, और सर कुछ रिलेक्शन यहाँ पे जैसे विडो है, जो वुमेन्स है यहाँ पर, डिवोर्स वुमेन है, उनके लिए अलग यहाँ पर रिलेक्शन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब सर मेन जो पॉइंट है एग्जामिनेशन फीस, जी सर, जो ऑल कैंडिडेट है, जो बच्चे हैं जो बिल्कुल यहाँ पर जो सभी कैटेगरी वाले बच्चे, ₹500 यहाँ पर फीस होगी उनकी, लेकिन जैसे ही आपका CBT 1 का एग्जाम होता है आपको ₹400 रिफंड कर दिए जाएंगे, यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन सर जो बच्चे PWD है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, जो जिन बच्चों की जो ₹250 फीस है, लेकिन वो पूरी की पूरी आपको रिफंड यहाँ पर CBT 1 के बाद में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, सर आगे बात करते हैं, सर CBT 1 का जो पैटर्न रहने वाला है सर वो क्या पैटर्न है। सर आपको पता है 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे का आपका पेपर है, जिसमें 40 नंबर का आपको GK पूछा जाएगा, 30 नंबर की आपके मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, और 30 नंबर के आपके जनरल, मतलब जो इंटेलिजेंट रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये टोटल आपका क्या है 100 नंबर का आपको पेपर रहने वाला है, 120 मिनट। अब देखिए जो 120 मिनट है वो जो दिव्यांग PWD कैंडिडेट है उनके लिए 120 मिनट है, और यहां पे जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आप सिलेबस आप देख सकते हैं, वही सिलेबस है नॉर्मल जो रेलवे का रहता है, जैसे मैथमेटिक्स हो गई, यहां पे रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सिलेबस, जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस में जैसे सब टॉपिक्स है, करंट इवेंट है, ये सभी सिलेबस आप देख पाएंगे। ठीक है बिल्कुल, अब चलते हैं आगे। सर सेकंड स्टेज देखो, CBT 2 में भी सेम सिलेबस रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यदि CBT 1 जिस बच्चे का यहाँ पर क्लियर होता है वो 15 गुना की लिस्ट में आ जाएगा, मतलब जो 15 गुना मैंने आपको पहले बताया था 3,445 टोटल पोस्ट है, यदि इसका हम 15 गुना करते हैं तो 51,000 बच्चे CBT 2 में एग्जाम में बैठेंगे। तो सर इसका पैटर्न है, देखिए 90 मिनट वही सेम टाइम मिलेगा, लेकिन GK का जो 40 नंबर का था वो 50 नंबर का हो गया, मैथमेटिक्स 35 नंबर की हो गई, और यहाँ पर रीजनिंग भी 35, मतलब अब क्वेश्चन की जो है वो पहले 100 क्वेश्चन थे और मेंस में आपको CBT 2 में 120 क्वेश्चन यहां पर
पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। देखिए ये मेंस का सिलेबस लगभग लगभग सीबीटी वन जैसा ही कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए जो मोस्ट मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इस पॉइंट पर हम बात करते हैं। सर पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें टाइपिंग होगी, तो आप देख पाएंगे दो ही पोस्ट ऐसी है जिसमें टाइपिंग आपका स्किल टेस्ट होगा। अब टाइपिंग स्किल टेस्ट में मैंने आपको पहले बताया था कि 8 गुना बच्चे, मतलब जो वैकेंसी रहे इनकी अकाउंट कलर की, जो जूनियर कलर की जो वैकेंसी है इसमें दी हुई, उनका 8 गुना वाले बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए अब आगे सर कौन कौन बच्चे जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे अप्लाई करना है तो आपको पता है जैसा कि एनटीपीसी की जो वेबसाइट ऑफिशियल रेलवे की वेबसाइट है वहां पर आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फोटो जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बताया गया है, जो जेपीजी इमेज होनी चाहिए 30 KB से लेकर 70 KB तक आप अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर के बारे में बताया गया, SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको बताया गया, 500 KB का आप मैक्सिमम यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, ये आपकी बिल्कुल। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, यहां पर पे स्केल के बारे में मैं आपको बता देता हूं, तो आप देख पाएंगे 21,700 पे स्केल कॉमर्शियल का है, 19,900 अकाउंट कलर का है, जूनियर का है 19,900, ट्रेन कलर का भाई 19,900। अब देखिए जो 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 मोस्टली मैं आपको बताने जा रहा हूं, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबसे बड़ा जो डाउट है एग्जाम में जो बच्चों का, वो कहता है सर हम 12th का फॉर्म भर, मतलब जो हम 12th पास है वो हम फॉर्म भर पाएंगे नहीं, तो इसमें बोला गया है सर 12th में 50% जिस बच्चे के हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। आप देखो तीनों में ही 50% है, लेकिन किस बच्चे का डाउट है सर मेरे 50% से कम है, जैसे किसी के 45% है, किसी के 46 है, क्या सर हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो उनको मैं बता दूं बच्चों, जिस बच्चे का ग्रेजुएशन हो चुका है, जिसने ग्रेजुएट कर ली है, चाहे उसके 12th में 40% बने हो या 42 बने हो, वो ग्रेजुएशन करने के बाद चाहे कितने भी परसेंट हो लेकिन ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंपलसरी, वो फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर देखिए जो पोस्ट पर यहां पर परफेंस है, जैसे अहमदाबाद में कितनी पोस्ट है, ये सभी पोस्ट मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर में, तो आपकी कंप्लीट पीडीएफ में आपको पता चल जाएगा कि क्या कौन कौन से जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल यहां पर हमने कंप्लीट यहां पर मैंने आपको जानकारी बता दी है, कौन फॉर्म भर सकता है। ठीक है दोस्तों, कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, 21 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 20 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।